हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू आवर सीरीज जहां हम सीखेंगे भगवत गीता एज इट इज के 108 इम्पोर्टेंट श्लोक, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट श्लोक है भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 2 टेक्स्ट 69, जो कुछ इस तरीके से है। यानि सर्वभूतानि तस्यां जागृति संयमि, यस्यां जागृति भूतानि सानि पश्यतो मुने। ट्रांसलेशन: जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान हमें दो कैटेगरीज के लोगों के बारे में बताएंगे, जिसमें पहली कैटेगरी है ऐसे लोगों की जो अपना इंटेलिजेंस सिर्फ अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में यूज करती हैं। वो हमेशा अपनी इंटेलिजेंस को उन मटेरियल एक्टिविटीज में लगाती हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अपने सेंसेस को सेटिस्फाई कर सके। और ठीक इसका ऑपोजिट है संयमी लोग, यानी कि सेल्फ कंट्रोल पर्सन। सेल्फ कंट्रोल पर्सन ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करते रहते हैं। वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के लिए या फिर गॉड रियलाइजेशन के लिए। तो इन दोनों कैटेगरीज के बारे में हम थोड़ा और डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक एग्जांपल समझना होगा। और वो एग्जांपल है कि आपने कभी नोटिस किया कि जब हम सोते हैं तो हमारी आईज तो बंद रहती है तो हमें कुछ दिखता नहीं है, लेकिन क्या हमारे कान भी बंद हो जाते हैं? नहीं ना। लेकिन हमारे सोते टाइम हमारे आसपास कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, हमें फिर भी सुनाई नहीं देता है, या फिर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है उस टाइम। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारा जो माइंड है वो एब्सेंट रहता है। भले ही हमारे कान खुले हो बट फिर भी हमें कुछ सुनाई नहीं देता। हम एकदम इनडिफरेंट हो जाते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है क्या नहीं, बिकॉज ऑफ आवर एब्सेंट ऑफ माइंड। तो इसी एग्जाम्पल से हम इन दोनों कैटेगरीज के बारे में समझ सकते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है सेल्फ कंट्रोल पर्सन की। तो सेल्फ कंट्रोल पर्सन हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करता रहता है गॉड रियलाइजेशन के लिए। और ऐसा इस श्लोक में बताया गया है कि जो सेल्फ कंट्रोल पर्सन के लिए जो दिन है वो एक मटेरियलिस्टिक पर्सन के लिए एक रात्रि के समान है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी चीजें एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन या फिर एक सेल्फ कंट्रोल पर्सन करता है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, वो सारी चीजें एक मटेरियलिस्टिक पर्सन की अंडरस्टैंडिंग के बाहर है। तो भले ही वो मटेरियलिस्टिक पर्सन उन सभी चीजों को देख रहा हो, ऑब्जर्व कर रहा हो, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर सेल्फ कंट्रोल पर्सन ये कर क्या रहा है। और ठीक इसी तरीके से आगे भगवान समझाते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक पर्सन का जो दिन का समय होता है, यानी कि ऐसा टाइम जब मटेरियलिस्टिक पर्सन कम्प्लीटली इन्वॉल्व होता है अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, तब एक सेल्फ कंट्रोल पर्सन क्या करता है, तब वो टाइम सेल्फ कंट्रोल पर्सन के लिए एक रात्रि के समान है। रात्रि के समान है मतलब उस समय एक सेल्फ कंट्रोल पर्सन अपने माइंड को एब्सेंट रखता है इन मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में, ताकि वो इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस ना हो पाए। तो सेल्फ कंट्रोल पर्सन जो होते हैं वो ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि कैसे जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो अपने सेंसेस को सैटिस्फाई करते करते सेंस ऑब्जेक्ट से ही अटैच हो जाते हैं, और वही सेंस ऑब्जेक्ट से वो कभी दुख पाते हैं तो कभी सुख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी रसगुल्ला खा के बहुत खुश होता है क्योंकि उसको मीठा खाने को मिलता है, लेकिन वही आदमी कुछ समय बाद दुखी हो जाता है क्योंकि उसका शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज वो डायबिटिक पेशेंट होता है। तो मटेरियलिस्टिक पर्सन कभी भी ये चीज समझ ही नहीं पाते कि जिन ऑब्जेक्ट्स को वो अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं, वही ऑब्जेक्ट्स उन्हें कुछ टाइम बाद उनको दुख देने लगते हैं। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट सेल्फ कंट्रोल पर्सन होते हैं, जो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि कैसे जो सेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वही कुछ टाइम बाद हमें धीरे धीरे दुख पहुंचाने लगते हैं। तो इसलिए वो अपने आप को इन सारे सेंस ऑब्जेक्ट से दूर रखते हैं, और इन सेंस ऑब्जेक्ट का सिर्फ उतना ही यूज करते हैं जितना नीडफुल होता है इस बॉडी के सर्वाइवल के लिए। तो इस श्लोक से हम भी ये सीख सकते हैं कि कैसे एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन मटेरियलिस्टिक लोगों के बीच में होते हुए भी मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज से और सेंस ऑब्जेक्ट की चीजों से दूर रहता है और अपने सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ में प्रोग्रेस करता है।
सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अब हम मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन नॉट टू मिस एनी अपडेट।